शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? श्रद्धा आपकी कंपनी में इतने सालों से पूरी ईमानदारी से काम कर रही थी और आप ये ईमानदारी और इनकी वो तो तभी समझ में आ गई जब मेरे पैसे गायब हुए। नहीं, जरूर कोई गलत फहमी हुई है, तुम तो चोरी नहीं कर सकती। सर, हम सुबह से इनके पैसे ढूंढ रहे हैं पर मुझे अच्छे से याद है मैंने पैसे बैग में ही रखे थे और कल तक तो वो बैग में ही थे पर पता नहीं सुबह वो बैग से गायब हो गए। ऐसा है मिस्टर त्रिपाठी कि पैसे कभी अपने आप इधर उधर नहीं होते हैं, लोगों की बेईमानी पैसे को इधर से उधर करती है। कांस्टेबल जी सर, पूरा घर छान मारो, अगर घर में पैसे रहेंगे तो मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे छानबीन कर सकते हैं हमारे घर के? अरे हमारा इज्जतदार परिवार है, कोई चोर नहीं है। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और आप बीच में टांग मत अड़ाइए वरना हम आपको भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अरे लेकिन तुम उस रूम में जाओ, तुम वो रूम में जाओ। पर मेरा कमरा क्यों? मैंने चोरी नहीं की है सच में। वो तो हम बता ही देंगे किसने क्या कांड किया है। आप सब लोग जहाँ खड़े हो वहाँ चुपचाप खड़े रहो। जरूर कोई गलत फहमी हुई है, हमने पैसे नहीं चोरी किए। हाँ सर, हम ढूंढ लेंगे और अगर नहीं मिले तो कहीं से भी कैसे भी करके आपके पैसे सारे वापस लौटाएंगे। आप प्लीज पुलिस केस मत कीजिए। सर मैं अभय का पिता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 10 लाख रुपए मैं लौटा दूंगा। हाँ सर। साहब मिल गए पैसे, इस बैग के पॉकेट के अंदर छुपा रखा था। छुपा के रखे थे का क्या मतलब है? मुद्दा तो यही था ना कि पैसे नहीं मिल रहे थे, जो मिल चुके तो बात खत्म हो गई। बहन जी बात खत्म नहीं हुई बल्कि बात अभी शुरू हुई है, श्रद्धा को जेल जाना ही पड़ेगा। सर जिसके लिए आप आए थे आपको वो मिल चुका है, तो आप इसे जेल भेजने की बात कैसे कर सकते हैं? पैसे कब मिले? जब पुलिस ने छानबीन की तब, उससे पहले आप मुझे बेवकूफी बना रहे थे ना। आज 10 लाख चुराए, कल कंपनी का करोड़ों का घपला होगा, फिर क्या? ये क्या तरीका है हमारे घर में खड़े रह के हमारी बहू के बारे में ये सब बोले जा रहे हैं? नहीं जा रहे, हम बात कर रहे हैं। कांस्टेबल गिरफ्तार करो इसे। रुकिए मैम, सर प्लीज। श्रद्धा ने कोई चोरी नहीं की है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। अब जो भी सफाई देनी है और जो भी कहानी सुनानी है सब अदालत में, ले चलो इसे। भाभी सर, okay,
सर आप श्रद्धा को छोड़ दीजिए और मुझे ले जाइए, क्योंकि श्रद्धा ने पैसों की सारी जिम्मेदारी मुझे दी थी। जिस बैग में से पैसे मिले वो बैग भी मेरा है सर। नहीं अभय सर, गलती इनकी नहीं है, इस पूरे केस की जिम्मेदारी मैं लेती हूं। सर आप चाहे तो मेरे भाई से पूछ सकते हैं, उसने रात को पैसे देखे मेरे बैग में। वरुण तू बता सर को, तूने देखे थे ना रात को पैसे? ये सच बोल रहे हैं जी? लेकिन वो देख लीजिए सर, अब तो आपको मेरी बात पर यकीन हो गया होगा। अगर ऐसा है तो हमें आपको गिरफ्तार करना होगा मिस्टर अभय त्रिपाठी। नहीं प्लीज भैया को मत लेके जाइए, वो कभी चोरी नहीं कर सकते, उन्होंने पैसे नहीं लिए। तो किसने लिए? अरे आप ये क्या कह रही हैं? अरे तो आप इन्हें समझाइए ना, अरे अब तो साथ दीजिए अपने बेटे का, आप जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे में खामियां जरूर हैं, लेकिन वो चोर नहीं है। मेरा बेटा ऐसा कभी कोई काम नहीं कर सकता जिससे हमारा सर झुके। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। आपका ये भरोसे वाला भाषण इनको अदालत में बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा, अदालत को सबूत चाहिए। चलो इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया, हम कह रहे हैं आपसे। सर हमारे बहू और बेटे ने आपके साथ तो काम किया है ना, तो अभी तक उन लोगों ने कुछ गलत किया है क्या? तो एक बार उन पर विश्वास करिए। सर हमारे बेटे को छुड़वा लीजिए, देखिए पुलिस उसे ले जा रही है। प्लीज सर प्लीज। रुकिए, प्लीज आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, अभय को छोड़ दीजिए, इसमें इनकी गलती नहीं है, आप इन्हें नहीं लेके जा सकते। और वैसे भी बॉस ने उन पैसों की जिम्मेदारी तो मुझे दी थी ना, तो इसमें इनकी गलती कहां से हो गई? आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। सर आपने तो मेरे नाम का वारंट निकलवाया था ना, तो ये लोग अभय को क्यों लेके जा रहे हैं? उन्हें कहिए ना कि प्लीज अभय को छोड़ दे। आप उनसे कहिए कि वो मुझे गिरफ्तार कर ले। सर मैं आपको अभय को ले जाने नहीं दूंगी, छोड़िए नहीं, नहीं। श्रद्धा पीछे हटो, इन्हें इनका काम करने दो। चलिए सर। भैया प्लीज रुक जाओ, आज वो भैया को लेकर जा रहे हैं, आपकी आरती संभालो। ले चलो।
तनुजा जी संभालिए। मम्मी जी चाची संभालिए अपने आप को। भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं, बस कीजिए। आरती आरती संभालो खुद को, देखो तुम ऐसे देखकर मम्मी और परेशान हो जाएगी। बस करो बस। मम्मी जी ये क्या हो गया? मम्मी जी थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए हमें तुम्हारे हाथ से पानी। आज हमारा बेटा जेल में सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें पैसे दिए थे, तो जब वो पैसे गायब हो गए तो हमारा बेटा जेल में क्यों है? सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए उसने तुम्हारी सजा अपने ऊपर ले ली। तुम बस खड़े होकर चिल्लाने और रोने का एक्टिंग करती रही। भाभी अरे बोल रहा ना श्रद्धा, असल में तुमने आज तक अभय को अपना पति माना ही नहीं। क्योंकि अगर तुम अपनी जिम्मेदारी मानी होती तो आज अभय नहीं तुम जेल में होती। तनुजा जी श्रद्धा से कैसे बात कर रही हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें श्रद्धा की कोई गलती नहीं है, आप क्यों उन्हें सुना रही हैं? अरे तो हमारे बेटे की भी कोई गलती नहीं थी। अरे अपनी बहन की जिम्मेदारी तो तुम्हें नजर आती, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तुम कब देखोगी श्रद्धा? अरे कब तक हमारा बेटा तुम्हारी लापरवाही की सजा अपने ऊपर लेता रहेगा? अरे बोलो श्रद्धा, अब तुमसे पूछ रहे हैं। मम्मी जी सही कह रही हैं आप, ये जो कुछ भी हुआ है ना उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मम्मी जी। हमें तुम्हारी खोखली माफी बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें हमारे घर में हमारा बेटा चाहिए और तुम्हें इसके लिए जिस भी हद तक जाना पड़े तुम जाओ, क्योंकि जब तक हमारा बेटा इस घर में वापस नहीं आ जाता हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। निकल जाओ इस घर से अभी। इसकी जिम्मेदार मैं हूं, मैं आपसे वादा करती हूं चाहे कुछ भी हो जाए मैं अभय को वापस ला के रहूंगी। जब तक हमारा बेटा इस घर में वापस नहीं आ जाता हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। भाभी भाभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बोलूं। जो मैंने आप दोनों लोगों के साथ किया छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ मुझे। धक्के देगा मालिक साले को।
अब भाभी इतने वक्त बाद किस मुंह से माफी मांगूंगा आपसे? अब आपका बेटा कैसा है? वो घर पे आ गया ना? अभय ने मेरे बच्चे की जान बचाई है। अभय अब पिछली सारी बातें भूल चुके हैं, अब आप भी बस अपने परिवार का ध्यान दीजिए। भाभी अभय घर पे है? एक्चुअली मैं उससे दोबारा मिलना चाहता था क्योंकि मुझसे भाभी सब ठीक है ना? जी जी बस हम पहुंच ही रहे। जी आखिर आपने दिखाई दिया ना कि मम्मी बनने की एक्टिंग ना बहुत अच्छी कर लेती, लेकिन अंत में सास बनके बेटे और बहू में अंतर कर ही दिया। यह सबको पता है कि आपका बेटा कितना लापरवाह है, फिर भी हमारी दीदू की आपने एक नहीं सुनी, बिना कुछ जाने सोचे हाथ उठा दिया। बस करो कीर्ति, तुम देख नहीं रही घर में ऑलरेडी सब लोग इतने परेशान हैं, चाची की हालत दिख नहीं रही तुम्हें। यानी दीदू पहले उस अभय की लापरवाही से और फिर चाची जी की हालत समझे और उनके ताने और उनकी बदसुलूकियां सहती रही। चुप, अब हमारे और हमारे बेटे के बारे में एक भी शब्द नहीं। पता पता क्या, हमें भी मारेंगी, हम पे भी हाथ उठाएंगी, और कर ही क्या सकती है, आपके बेटे को और आपको तो बस यही आता है। हमें तो लगता है कि अच्छा हुआ कि उसे पुलिस पकड़ के ले गई, जेल के लायक है वो। अरे तुम तो गजब है लड़की हो, जब तक घर में तमाशा नहीं करती तुम्हारा खाना हजम नहीं होता। अभय बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, और वैसे भी इन सब मामलों में ना तुम हमसे भी ज्यादा माहिर हो। कमाल है बुआ जी, कभी सीधा तो कभी घुमा फिरा के आप मौका ढूंढ ही लेती हम पे उंगली उठाने का। हम मौका ढूंढ कर नहीं लाते, तुम ना थाली में हमें परोस कर देती हो। अरे कुछ तो अपनी बड़ी बहन श्रद्धा से सीख लिया करो कीर्ति। क्या सीखे कि कैसे डर डर के चुप रह रहे के अपने ससुराल वालों का अत्याचार सहते रहे। बस कीजिए कीर्ति, यहाँ अपने हालात से ना हर कोई परेशान है। वाह, सबको यहाँ हमारा तमाशा दिख रहा है, पर हमारी दीदू के साथ जो गलत हुआ वो किसी को नहीं दिख रहा। ठीक, आपके बेटे ने चोरी नहीं की ना, तो हमें बताइए कि पुलिस को उसके बैग से पैसे कैसे मिले। हाँ मतलब अगर वो कल रात से पैसे ढूंढ रहा था तो उसने अपना बैग क्यों नहीं चेक किया? बताइए, हम भी तो यही जानना चाहते हैं, कहाँ से आए पैसे? अगर उसने चोरी नहीं की तो कहाँ से आए पैसे? अरे तुम चुप नहीं रह सकती क्या? बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। बस बस करो सब, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि अभय को जेल से बाहर कैसे निकालना है, इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं होगी। चलो मुझे, हमें वकील से भी मिलना है, और हाँ हमें इस घर में और कोई तमाशा नहीं चाहिए। आप दोनों तनुजा और आरती का ख्याल रखें। सिर्फ 5 मिनट के लिए मुझे अपने पति से मिलना है, बहुत जरूरी बात है सर। आपको बोला ना इस वक्त आप नहीं मिल सकती, फिर आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हो? सिर्फ 5 मिनट के लिए बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए और आप जाइए। क्यों रे हीरो, ये तेरी बीबी है क्या? अच्छा मुझे ये बता, इतना खूबसूरत लाया कहाँ से बीबी तू? आज तो खूबसूरती देखने को मिलेगी जेल में। इसके खूबसूरत चेहरे को अपने ख्याल में बसा कर दिन रात जेल में काट देंगे। अरे हम सब एक साथ जेल में हैं, तो भाई हुए ना, तो ये सब की भाभी हुई है ना। क्या बोला है? क्या बोला तू? मेरी बीवी के बारे में एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। भैया मैंने क्या बोला, सिर्फ भाभी तो बोला था।
श्रद्धा, श्रद्धा यहां देखो। मैंने तुम्हें मना किया था कि जेल में नहीं आना, फिर भी तुम आ गई। क्योंकि अब भाई मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। ठीक है तो भाई या पापा के साथ आ जाती, अकेले आने की क्या जरूरत थी? अभय आपके दोस्त बंटी मिले थे, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। पर भाभी मैंने खुद उसके बैग में 10 लाख रुपए रखे थे, वो यही पैसे पुलिस को दे देता। वो पैसे आपने अभय के बैग में कैसे डाले? अभी जब मैं अस्पताल में था, अभय थोड़ी देर के लिए अपने फोन में उलझा रहा, तभी मैंने चुपके से उसके बैग में 10 लाख रुपए डाल दिए। अब भाभी मैं उससे नजर नहीं मिला पा रहा था तो पैसे कैसे देता? आपने हमारे लिए बहुत बड़ी बात सुलझा दी है, इसीलिए अभय आपको पता नहीं चल पाया कि आपके बैग में 10 लाख और थे। आपको बस ये याद था कि वेंडर को देने वाले 10 लाख आपने कहाँ रखे थे, लेकिन अभय बात अभी भी वही है कि आपके बैग में जो 10 लाख रुपए थे वो घर से आखिर कहाँ गए और कैसे? शदक घर पे तो ही ना कोई चुराएगा पैसे, और अब तो सोनिया भी हमारे साथ नहीं रहती, घर में कौन लेगा पैसे? भाई को 5-6 लाख की जरूरत थी, उसने जब देखे मेरे पास इतने पैसे हैं तो उसने मुझसे पैसे मांगे भी थे, पर मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया कि ये वेंडर को देने हैं पैसे मुझे, कहीं भाई ने तो वो पैसे नहीं चुरा लिए। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको यहाँ से निकलवा के ही रहूंगी। थैंक यू अरुण। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।